अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन सेकंड ईयर इंग्लिश का गेस्ट पेपर। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले सेकंड ईयर उर्दू का गेस्ट पेपर चैनल पर अपलोड है। और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बाइनेंस को भी मैं अपने चैनल पर सिखा रहा हूँ। तो ये चैनल आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत अहम है। तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके साथ साथ सेकेंड ईयर कॉमर्स और फर्स्ट ईयर कॉमर्स के वो स्टूडेंट जिनके कोई पेपर रुक गए हैं या जो कि अब तक इम्तिहान की तैयारी शुरू नहीं कर पाए उनके लिए मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, डेमो लेक्चर देखें, अगर आपको समझ में आता है तो फीस पे करें और मेरे ऑनलाइन जो सेकंड ईयर कॉमर्स और फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जो बैच है उसमें इनरोल होकर अपना मुस्तकबिल संवारें। तो सेकंड ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँ कि इंग्लिश में आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह कितनी खूबसूरती से लिखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि सवाल में जो पूछा जा रहा है उस पर बड़ी तवज्जो देना, क्योंकि लफ्ज़ आगे पीछे होने के बावजूद बाद यानी लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं, वर्डिंग चेंज होती है क्वेश्चन की, तो आपको लगता है कि यार ये सवाल तो पढ़ा ही नहीं है। तो बिटवीन द लाइन, बिटवीन द क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना ताकि आप अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन के आंसर को कर सको। तो चलें अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मीटिंग विद द कोरियन गर्ल गिव द मैन अ पर्पस टू लिव इन 20 मिनट्स विद मिसेज ओकेंडम। चैप्टर वन का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन किल मिसेज ओकेंडम। अब ये व्हाई डिड द मैन किल द मिसेज ओकेंडम क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द मैन बिहाइंड द किलिंग ऑफ मिसेज ओकेंडम, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है। या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, या व्हाई मैन केम टू स्टेनथ्रोप। तो बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबल ऑफ द सूटकेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पॉटर इन प्ले। अच्छा, जो पॉटर यानी कुल्ली का जो किरदार है उस प्ले में वो टेंशन को रिलीव कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो पॉटर है वो उसका करेक्टर ह्यूमीडियस है, वो ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, टेंशन को रिलैक्स कर रहा है, उसके बारे में बताओ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डसल व्हाट शुड बी एशियन कंट्री एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाई डज ब्रिटेन डसल कंसीडर इज यूजलेस टू रिजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट एडवाइस डज ब्रिटेन डसल गिव टू द ईस्टर्न नेशन। व्हाट आर डसल्स होप एंड डिजायर फ्रॉम एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटेंड इन द एज ऑफ साइंस एंड मशीनरी। ये तो दो चैप्टर हो गए, और ब्रिटेन डसल वाले में वाई द एशियन कंट्री रिजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्वेश्चन मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटेन डसल एशियन कंट्रीज़ को ईस्टर्न कंट्रीज़ को क्या एडवाइस दे रहा है ये भी मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपने लाने ही रहने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रियल फ्रीडम फॉर कॉमन मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान। स्टेट द मेन रीजन अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेज गिवन बाय लियाकत अली खान फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ मुस्लिम नॉट टू कंटिन्यू लिविंग इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो वाई द मुस्लिम ऑफ हिंदू पाक डिमांडेड अ सेपरेट नेशन, ये यही क्वेश्चन है जिसको अलग जो है वर्डिंग में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान व्हाट आर द मेन डिमांड्स ऑफ फॉर फ्रीडम। और लियाकत अली खान आर्ग्यू दैट द न्यूली फ्रीड नेशंस ऑफ एशिया विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि व्हाट इज़ द रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान, और दूसरा जो है व्हाई द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिमांडेड अ सेपरेट नेशन। तो व्हाट इज़ द रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान एंड व्हाई द मुस्लिम ऑफ इंडू पाक डिमांडेड अ सेपरेट नेशन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पैनिक सीम्स टू हैव स्टार्टेड इन द डे ब्रोक, और हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट एंड हाउ वाज द ऑर्डर रिस्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रूमर्स स्टार्ट इन द मूवी थिएटर, व्हाट हैपेंड टू डॉक्टर मॉर्ली मेलोडी इन द डे ब्रोक। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइंस्टाइन एटीट्यूड टुवर्ड प्रॉपर्टी आउटवर्ड एंड सक्सेस एंड लग्जरी। व्हाट इज द आइंस्टाइन व्यू अबाउट वार। व्हाट इज आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड एन इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट। एंड व्हाट इज आइंस्टाइन रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेशियस एलिमेंट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। व्हाट हैपेंड टू हैंस व्हेन ही वेंट टू फेच द डॉक्टर। डिवोटेड फ्रेंड का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ये क्वेश्चन बार बार आया है। द मिलर वाज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये बताना है, और ये क्वेश्चन बार बार आया है, ठीक है ना। व्हाट लेड द कॉन्स्टेबल टू अरेस्ट एंड चार्ज जेम्स जोन्स इज वेल। वाज जस्टिस डन टू द फैमिली ऑफ मिस्टर जोन्स डिस्कस। व्हाट सिस्टम हैज बीन क्रिटिसाइज बाय ग्लासवर्थी इन सिल्वर बॉक्स।
Why does James Jean assert that the universe seems to be hostile to the life like that of us? Important question. Why is the origin of the world still a riddle to the scientists? How has England become defenseless according to John Happ? How did Catherine survive the poisonous gas attack and why did her father instruct her to suicide? Important question. इसको याद में कीजिएगा. पोइट्री में आपके पास व्हाट आर द सेवन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन लाइफ इज डिस्क्राइब्ड और उसके बाद जो है ना आपके पास आपको फोर फिफ्थ सिक्स और सेवन एज को जो है ये पढ़ना है याद करना है. व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज ऑफ अ मैन ऑफ अपराइट. हाउ डज द मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ पास हिज डेज एंड व्हाट रोल डज होप प्ले इन हिज लाइफ. हु वाज सैमसन एंड हाउ वाज ही कैप्चर्ड बाय द पैलेस्टाइन. व्हाट डज सैमसन to do destroy the enemies of his race and why does the poet call death the great teacher. बहुत important question है, ठीक है. What are the two gifts of God man is described by Alexander Pope in lines from an essay on man. Next, what is the message of the poem lines from an essay on man. What inspired Wordsworth to compose the poem the solitary reaper. What does Wordsworth guess about the theme of the girl song in the poem. What does Wordsworth compared the song of solitary reaper and why explain that. Next, what is the theme of central idea of the poem music when soft white dies. Theme batani hai. Explain it in your own words. P.B. Shelley by and so they thought when thou art gone love itself shall slumber on. To ye stanzas hogi aayenge dono yaad rakhna. Stanzas aayengi aapko unki jo hai na explanation karne. जिस उर्दू में आप शेर की तशरीह करते हैं. अच्छा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब यूलाइसिस इंस्पायर हिज सेलर्स टू एम्बार्क ऑन अ न्यू एंड लास्ट एडवेंचर ऑफ वोयाज. नेक्स्ट एक्सप्लेन द लाइंस मेड वीक बाय टाइम एंड फीट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू यील्ड. इसको डिस्क्रिप्शन करनी है, ठीक है. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द लॉस्ट स्टार एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द एलजी रिटेन इन द कंट्री. द नॉवल के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं. प्रिजनर ऑफ जेंडा नॉवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है समझना बड़ा जरूरी है. क्वेश्चंस के जो आंसर हैं और ये मेरे नोट्स में अवेलेबल है और नोट्स पेड है, ठीक है. अच्छा करेक्टर आपके पास है प्रिंसेस फ्लेविया रुडोल्फ जेंडर ब्लैक माइकल. करेक्टर चाहता है ये आपके पास आपको करेक्टर बताने जो डिफाइन करने होते हैं. देन इसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं. सीन पैसेज आपको रिफ्लेक्शन ऑफ रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड द वर्ल्ड एज आई सी इट से इम्पॉर्टेंट ऐसे इन्फ्लेशन अकर्स टू इकोनॉमी सोशल मीडिया एनर्जी क्राइसिस PSL 9 और आज के हालात के हवाले से डेमोक्रेसी. फिर पेयर ऑफ वर्ड्स हैं एडेड ये जो है आपके पास आएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है तो इसमें इनरोल हो जाएं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़.